marvelous poet saint. एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक के मुदनूर नाम की जगह पर हुआ था। उनका नाम था दासीमैया। वो इतने अच्छे बुनकर थे कि एक बार उन्होंने महीन और सुंदर बुनाई वाला बहुत बड़ा पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। उसे बुनने में उन्हें महीनों लगे। उन्होंने कपड़ा बुन लिया और क्योंकि उनकी कमाई भी इसी से होती थी, वो उसे बाजार ले गए। वो कपड़ा इतना बड़ा और इतना सुंदर था कि किसी ने उसकी कीमत भी नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। वो अपना कपड़ा नहीं बेच पाए। फिर वो अपने सुंदर कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। वो आदमी कांप रहा था। उसने दासी मैया की ओर देखकर कहा, मैं कांप रहा हूं, क्या तुम मुझे वो कपड़ा दे सकते हो? दासी मैया ने वो कपड़ा उसे दे दिया। उस आदमी ने वो कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांधा, दूसरा अपनी छाती पर, दो छोटे टुकड़े अपने पैरों पर और दो टुकड़े अपने हाथों पर, और उन्हें पहनकर बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। फिर बूढ़े आदमी ने दासी मैया की ओर देखकर पूछा, कोई दिक्कत है क्या? दासी मैया बोले, नहीं, ये कपड़ा आपका है, आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए भी ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उनकी पत्नी परेशान होकर बोली, आप मेहमान को साथ लाएं, घर में इतना खाना भी नहीं है कि आप खा सकें, और आप एक मेहमान साथ ले आए, अब क्या करें? वो बोले, घर पर जो भी है तुम वो पकाओ और इन्हें खाना खिलाओ, हम लोग बाद में देखेंगे। वो बूढ़े आदमी खुद शिव थे। वो अपने असली स्वरूप में आ गए और उन्होंने एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिए। वो बर्तन अक्षय बन गया। वो बर्तन उनके पूरे जीवन में कभी खाली नहीं हुआ। उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने पूरे जीवन में अनगिनत लोगों को खाना खिलाने में किया। ये थे दासी मैया, उनकी भक्ति, कविताएं और उनकी अद्भुत उपस्थिति जिसने कई लोगों को रूपांतरित किया। इन सभी वजहों से लोग उन्हें देवरा दासी मैया कहने लगे। देवरा का मतलब है वो जो ईश्वर का है।